हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी। मेरे बताए मेजरमेंट और ट्रिक्स को फॉलो करके बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बर्फ़ी एकदम परफेक्ट बनी है। और इस बर्फ़ी की खासियत यह है कि आप 2 महीने तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सूजी की बर्फ़ी। तो सबसे पहले एक भारी कढ़ाई ले लेंगे जिससे सूजी भूनने में आसानी हो और सूजी लगे नहीं। तो 2 कप के करीब मैंने सूजी ली है, मेज़र में 300 ग्राम है। इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। सूजी को हमें कंटिन्यू भूनना है, इसे छोड़कर हम इधर से उधर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल लगातार इसे चलाते हुए हम भून लेंगे। सूजी को हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से सौंधी सी खुशबू ना आने लग जाए। अगर हमारी सूजी भुन रही है तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन ले लेंगे, पैन में डालेंगे हम 2 कप चीनी। चीनी हमें उतनी ही लेनी है जितनी हमने सूजी ली है, मेज़र में 300 ग्राम है। अब इसमें हम डालेंगे 2/4 कप पानी। पानी हमें चीनी का 1/4 हिस्सा रखना है। इसे लगातार चलाते हुए हम पका लेंगे जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगी हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी में उबाल आ चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम हम लो कर लेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका लेंगे। चाशनी को हमें इतना पकाना है जैसे शहद होती है, बस वैसे ही हमें चाशनी को उतना पकाना है। आप देख सकते हैं कि चाशनी अच्छी तरीके से पक चुकी है, बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। एक तार वाली चाशनी में पकानी है, मोटी तार वाली चाशनी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल शहद के फॉर्म में आ चुकी है ये। जैसे शहद होती है बिल्कुल उसी तरीके से हमें रखनी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 2 से 3 इलायची डाल देंगे। आप यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। चाशनी को बस इतना ही पकाना है और ज़्यादा नहीं पकाना है इसे, बिल्कुल परफेक्ट। चलिए एक बार सूजी चेक कर लेते हैं हमारी कि सूजी हमारी कितनी भुन चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि सूजी बिल्कुल भुन चुकी है, हल्की सी गोल्डन हो चुकी है। तो सूजी को हम साइड में रख देते हैं। मैं कढ़ाई में डालूँगी 1/4 कप घी। बर्फ़ी में हमें घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। ऑयल में बर्फ़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, तो आप घी यूज़ करें। अब इसे मेल्ट होने देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। इसे 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा ब्राउनिश करना है हमें इसे। अब इसमें डाल देंगे हम भुनी हुई सूजी। सूजी को हमें 2-3 मिनट के लिए इसी तरीके से चलाते हुए भून लेना है। तो सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें डाल देंगे 1/4 कप कोकोनट गोला है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था। और 1/4 कप डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आपकी चॉइस है, आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, पर इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है बर्फ़ी में। तो इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। हमारी सूजी भुन रही है, हम कोई भी प्लेट या ट्रे ग्रीस कर लेते हैं, उसमें घी लगा लेंगे। तो ये थोड़ी सी मैंने घी ली है, अब मैं इसे ग्रीस कर लूँगी। लगाने से जो बर्फ़ी है हमारी अच्छी तरीके से निकल जाएगी। तो चलिए देखते हैं हलवे की तरफ। तो अब डाल देंगे सूजी में जो चाशनी हमने बनाई थी,
बिल्कुल गरम चाशनी हमें डालनी है। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई हो तो आप उसमें एक उबाल लगा सकते हैं और फिर उसे डालें। अब इसे मिक्स कर लेंगे, चलाते हुए मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ज़्यादा हमें इसे सुखानी नहीं है, थोड़ी सी पतली ही हमें इसे रखनी है, गीली गीली सी रखनी है। इसकी फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है। तो इसे चलाते हुए हम इसे उस घी वाली प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बिल्कुल जल्दी से हमें डाल देना है, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना जो बर्फ़ी है हमारी बिल्कुल सख्त हो जाएगी और सही से प्लेट में फैलेगी नहीं। तो जब गरम गरम ही हमें इसे अच्छी तरीके से फैला लेना है, किसी भी कटोरी या छोटी प्लेट की सहायता से हम इसे फैला लेंगे दबा दबा के। थोड़े से इसके ऊपर मैंने घिसे हुए गोले का बरूदा डाला है, अब इसे कट कर लेंगे। बिल्कुल जब गरम हो हमें तभी कट कर लेना है इसे, वरना ठंडी होने के बाद ये कटेंगी नहीं। आप देख सकते हैं कि ये अभी कितनी हार्ड हो चुकी है। तो जब ये गरम हो उसी स्टेज पे हमें इसे कट कर लेना है बर्फ़ी को। तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ी हमारी बिल्कुल रेडी है, कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल परफेक्ट। आप भी इसी मेजरमेंट और ट्रिक के साथ फॉलो करके आप भी बर्फ़ी बना सकते हैं। आप इसे 1.5 से 2 महीने स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।